हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंबलू में हमीरपुर उपमंडल की 3 दिवसीय 27वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का समापन किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी को पुरस्कृत किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंबलू में हमीरपुर उपमंडल की 3 दिवसीय 27वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का समापन किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिना पेड़ के जिंदगी संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं ताकि हमारा प्रदेश हरा भरा रहे। उन्होंने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश पूरे विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है। देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारने लगभग सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अंतिम समय में कुछ कमी के कारण हमारा यह प्रयास सफल नहीं रहा। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा से भी आगे मंगल तक पहुंचने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। किसी भी प्रतियोगिता में टॉप हमेशा खाली रहता है। जो मेहनत करेगा वह टॉप पोजीशन जरूर हासिल करेगा। संदेश है कि कई कहते हैं कि वैकेंसीज की कमी है, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है। कमी हमारे बीच पे जाती है कि हार्ड वर्क कम करते हैं। टॉप हमेशा खाली है, उसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करिए। जो बच्चे इस बार जिनको कोई इनाम ना मिला है, मैं उनको ये कह देना चाहूंगा कि वो मेहनत करिए। अगली बार मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि अगली बार टॉप पोजीशन पर हम की ही होगी। तो बच्चों, ये आप जिन्होंने 3 दिन में यहां पर मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कुछ जो प्रथम आए, सेकंड आए, थर्ड आए और कुछ उन मेहनत करने के बावजूद भी जिनको कोई इनाम ना मिला, मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों, टॉप हमेशा खाली होता है। जो आज टॉप आया है, अगर उससे भी बढ़िया कोई मॉडल होता तो वो उसी ऊपर आ जाता। इसलिए टॉप हमेशा खाली होता है, लेकिन टॉप को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है, कड़े परिश्रम की जरूरत है, हार्ड प्रैक्टिस, हार्ड वर्क। अगर आप जिंदगी में आप एक अपना मोटिव तय कर लेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में साइंटिस्ट बनना है, चाहे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना, जो भी आप एक आप जिंदगी में ले लोगे और उसके ऊपर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मेहनत करना शुरू कर दोगे तो कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, हर दिन कोई ना कोई इन्वेंशन खोज होती रहती है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ही उस साइंस कांग्रेस का आयोजन चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, तो आज आप हैरान होंगे कि बच्ची ने मॉडल बनाया था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया। विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के बारे में बताया कि इस बाल विज्ञान सम्मेलन में 80 विद्यालयों के 640 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में जिला के 7 मॉडल नेशनल के लिए चुने गए थे।